सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, इस घंटे को दबाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा, माय हेल्प केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं दिए हैं तो आप कैसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ऑनलाइन तैयारी के काबिल बना सकते हैं। मैं आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट पर लेकर चलूँगा और वहाँ बताऊँगा कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो जो वेबसाइट है onlinetayari.com वहाँ पर पहुँच जाइएगा। और उसके बाद देखिए कहाँ पर जाना है और कैसे टेस्ट देना है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ ताकि कभी भी फ्यूचर में कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग दे दिए हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो कभी नहीं दिए हैं आज तक, तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लगते रहता है कि आखिर कैसे ऑनलाइन परीक्षा होता होगा, उसमें क्या होता होगा, कैसे क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जैसा कि ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जब जाइएगा तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में तो हिंदी में। तो फिलहाल हिंदी में मैं दूंगा एग्ज़ाम, तो यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के लिए आपसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, वो लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद इस तरह का पेज सामने दिखेगा, आपको टेस्ट शुरू करे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए टेस्ट शुरू करें, यहाँ पे देखिए रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम 2000 फ्री पैकेज हिंदी मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं किसका आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ देखिए रेलवे का यहाँ 4 पैकेज है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ मैं जाता हूँ तो सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा कि आप किसका मतलब टेस्ट देना चाहते हैं। तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का, रेलवे ग्रुप डी का, तो मैं चलिए ग्रुप डी में जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, जैसा इंटरनेट का कनेक्शन रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे जल्दी से आएगा या फिर लेट होगा। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ चुका है रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2018। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो 99 रुपये आपको देना पड़ेगा, जिस पर आपको 12 कुल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो खैर मैं यहाँ ट्रायल लेता हूँ और ट्रायल से आपको बताता हूँ कि कैसे टेस्ट दिया जाता है। तो मैं ट्रायल ले पर क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुरू में जो वेबसाइट खुला है तो इसका जो लुक है, जो चेहरा है, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन वैसा कोई विशेष इसमें है नहीं। तो ये हो गई बात, यहाँ पे कुछ निर्देश है, पढ़ लीजिएगा। आपको परीक्षा कुल समयावधि 90 मिनट का है और क्वेश्चन है 100। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है। देखिए यहाँ पर आ गया, कुल सवाल 100 रहेगा, समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा और आई एम रेडी टू बिगिन आपको क्लिक करना है। और थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेंगे बस। ये देखिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सारा आ रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लिख रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बगल में आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको जिस पे जो लग रहा है कि सही है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और क्लियर रिस्पॉन्स मतलब मान लीजिए कि इसे आपने टिक कर दिया, अब इसे हटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लियर कर दीजिएगा क्लिक, तो ये हट जाएगा। और उसके बाद यहाँ से सेव है नेक्स्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को टिक करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो सिंपली ऐसे नेक्स्ट कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कीजिएगा तो फिर से दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से बदलते रहेगा। फिर सेव है नेक्स्ट, तो इस तरह से बदलते रहेगा। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर दिखा रहा है कि आंसर 0 का आपने दिया है, नोट आंसर 4, 96 को नोट विजिट, अभी विजिट नहीं किए, 0 मार्क फॉर रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो अब आपको किसी और क्वेश्चन पे जाना। अभी तो शुरू में रीजनिंग वाला आ रहा था, तो मैं यहाँ 82 में चला जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जा रहा है जीके का क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ चूने का पानी विलीन हो जाता है या दुधिया हो जाता है, किस कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है जीके का क्वेश्चन। इसी तरह से और थोड़ा सा इधर जाके देखिएगा तो यहाँ भी आपको अंतरिक्ष में जाने प्रथम महिला कौन थी, तो ये भी आपका जीके क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाइएगा रेलवे का, तो कुछ इसी तरह का आपको वहाँ भी लुक मिलेगा, इंटरफेस कुछ इसी तरह का रहेगा। हाँ, ये सब नहीं दिखेगा ऑनलाइन तैयारी, लेकिन एकदम इसी तरह का रहेगा। राइट साइड में आपको इस तरह का क्वेश्चन का एक बॉक्स बनाया हुआ रहेगा और सारा क्वेश्चन उसमें रहेगा, जिस पर जाइएगा तो आपको आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन पर पहुँच जाइएगा। आपको जिस जो आपको लगे उस पर टिक करना है और सेव नेक्स्ट कर देना है। देखिए एक का मैंने आंसर दिया तो यहाँ पर एक लिखा चुका है, बस यही सिंपल सा है प्रोसेस, और कोई विशेष नहीं रहता ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। तो
तो लोग घबराते हैं कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, जो कभी नहीं दिए उनको थोड़ा टेंशन रहता है। तो इसलिए दोस्तों आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं पैसे से, कुछ क्वेश्चन वोश्चन खरीद के आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप इस चैनल से साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, रेलवे का बहुत ज़्यादा जोर शोर से तैयारी लोग कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि रेलवे का ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया जाए, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी में ही लगा हूँ। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जहां मेरा कोचिंग है, जो कोचिंग है पटना में, वहां का जो असाइनमेंट मिले तो मैं उसे सब कुछ यहां पे अपने चैनल पे अपलोड करूं और आप लोगों को भी उस असाइनमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़िए, आपको रेलवे का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन आ जाएँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसा मैं भी कहता हूँ और मेरे जो सर हैं सभी कहते हैं। तो दोस्तों जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सारा असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह के नए और अच्छे अच्छे जानकारी को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।